Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparations भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है SSC की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एंड सी की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है. ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट है. मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. प्लस में अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिनका मैथ वीक है, वो सोचते हैं कि अगर किसी एग्जाम में मैथ ना हो तो मैं आसानी से क्रैक कर लूं, तो आपके लिए ये रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. इसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या होगा. साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एग्जाम की डेट, पैटर्न, इनिशियल इन हैंड सैलरी, जॉब लोकेशन, सारा कुछ कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी. तो क्या आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो? अगर हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 3960 सीट के लिए आपकी यहाँ पे आई है. और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेड सी का कितना है, ग्रेड डी के लिए कितना है. स्टेनो ग्रेड डी के लिए 3571 है और स्टेनो ग्रेड सी के लिए 389 सीट्स है. टोटल आपका 3960 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है. इम्पॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग जो है आपका डेट 2 अगस्त 2023 रहने वाला है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका यहाँ पे 23 अगस्त 2023 रहने वाला है. सो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि 23 अगस्त तक है तो अभी आराम से रहने देता हूँ, फॉर्म अप्लाई कर लूँगा. नहीं, जितना जल्दी हो सके 2 तारीख के बाद फॉर्म जैसे ही आता है आप अप्लाई कर दो, ताकि बाद में सर्वर इशू की वजह से आपका फॉर्म कहीं छूट ना जाए. एंड नाउ इट्स टाइम टू रिमाइंडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट फ्रेंड्स. जैसा कि आप सभी को बता दूं कि एग्जाम की जो डेट है ना, वो भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है SSC के थ्रू. मतलब कि अक्टूबर में होगा ये तो पहले से सबको पता था, बट आपका जो एग्जाम डेट है ना, वो 12 और 13 अक्टूबर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा पेपर आपका. तो चलिए अब हम लोग फॉर्म की फीस जान लेते हैं. जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ लिया जाएगा. वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी हो, एक सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल का कोई भी चार्ज नहीं लगता है. एज लिमिट देख लेते हैं फ्रेंड्स. योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023. सो चलिए हम लोग दोनों पोस्ट के लिए देख लेते हैं. स्टेनो ग्रेड सी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है. स्टेनो ग्रेड डी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रहने वाला है. आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है. SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, तो वो आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा. स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से बाद में समझ लेना. क्वालिफिकेशन में अगर बस 10+2 पास आउट हो आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, तो आप एकदम एलिजिबल रहने वाले हो. चाहे आपका कोई सा भी स्ट्रीम हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी परसेंटेज हो, आप अप्लाई कर सकते हो. तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है. योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन 2 मेजर स्टेजेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. देन आपका स्किल टेस्ट होता है. तो आपको पता है कि आप स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट है तो स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है. तो चलिए आगे हम लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले बता दूं एग्जाम की पैटर्न. आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसमें 200 क्वेश्चन का रहता है 200 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स का पेपर होता है. निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 का. और जैसा कि आपको पहले भी बताया, आपको बस यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मतलब कि मैथ्स का क्वेश्चन नहीं होने वाला है यहाँ. आपका रीजनिंग का रहता है फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स के लिए. मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का रहने वाला है. तो जिन बच्चों का इंग्लिश स्ट्रांग है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो इंग्लिश पे अच्छे से फोकस कर ले.
उसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। स्टेनो ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का ये टेस्ट होता है, हिंदी के लिए 65 मिनट में, इंग्लिश के लिए 50 मिनट में। स्टेनो ग्रेड सी का 100 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट होता है, हिंदी के लिए 55 मिनट में, इंग्लिश के लिए 40 मिनट में। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है। तो जैसा आपको पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ऑल ओवर इंडिया में आपको जो है अपना सर्विस करना पड़ सकता है। जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सीट अलॉट करेगी वहीं जाके आपको सर्विस देना होगा। रही बात एग्जाम सेंटर की, तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको 3 choice SSC आपको देता है, मतलब कि जो आपके नियर बाय के 3 place होंगे आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, वहीं आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आइए अब हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं, जिसके लिए कि सारे जो है ना कैंडिडेट्स एकदम वेट करते रहते हैं कि किस दिन मेरा ज्वाइनिंग होगा, मेरा फर्स्ट सैलरी आएगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ, स्टेनो ग्रेड सी का आपका जो बेसिक पे होता है 93,000 to 34,800 होता है, बट आपको इनिशियली 50,682 rupees का यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। स्टेनो ग्रेड डी के लिए 5,200 to 20,200 का बेसिक पे होता है, बट इनिशियल इन हैंड सैलरी 37,515 rupees होती है। तो मतलब बहुत अच्छी खासी सैलरी है, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी मिलेंगे, पर ईयर अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। तो देर किसका है, इंतजार किसका कर रहे हो, आप लोग तैयारी में जुट जाओ, जल्दी से फॉर्म अप्लाई करो, अक्टूबर में पेपर दो, स्किल टेस्ट कर लो, उसके बाद हो जाएगा आपका। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो क्या रहा था। तो फ्रेंड्स, ग्रेड सी के लिए जनरल का 137 to 140 था, ओबीसी के लिए 135 to 138, एससी के लिए 120 to 125, एसटी के लिए 105 to 109 था। ग्रेड डी के लिए जनरल का 135 to 139 था, ओबीसी के लिए 132 to 135 था, एससी के लिए 115 to 127 था, एसटी के लिए 99 to 103 था। सो फ्रेंड्स, ये सारी बेसिक डिटेल मैंने आपको बताई है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट ग्रेड सी एंड डी के 2023 के रिगार्डिंग। सो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर पूछना, मैं वहां पे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज ये जो जॉब है इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा ना, मैं इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, तो जाओ आप वहां पे भी फॉलो कर लो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो फ्रेंड्स, मिलूंगे आपसे फिर से किसी न्यू जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।